देवांगन वंशी वंश जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरबन नाम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कहकर पुकारते थे। चमना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपन तांबे जी काशी से मिठूर आ गए, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल वह नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से, उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अगारी से, वह तो मैदान में खेलती थी बच्ची ढाल कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी ये सब या उस, उसकी शिक्षाएं थी उस। किसे पता था यह छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर मोरोपन तांबे जी काशी से पिठूर आए, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम कर रहे थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल है वह नहीं खेलती थी लड्डू या गिट्टी से, उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अगारी से, वह तो मैदान में खेलती थी बच्ची हाल कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी ये सब या हो सकता, उसकी शिक्षाएं थी किसे पता था ये छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानव साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर आई थी, राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को पृथ्वी पर राज्य का आनंद दिया। सो हे गुरुदेव उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस जिले को छोड़ चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरे महल से बाहर जाना पड़ा। मेरी दीवारें फूट कर रही हैं, मेरी प्राचीर की छाती पर बर्फबार दाग की तरह काट दिया गया। फिर भी हंसी खिलती झांसी का सुख प्रभाव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान कर कड़वा दूध पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए में थालियां बजी, पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर होगा। झांसी के सुसभ को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों
नेत्रों से अचानक माता के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद जल गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज रोगों ने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस मिल सके, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को दी। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राम। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर